Hello everyone, Neha Shripathi here. Today we are going to learn about the functional groups, which is very important. Functional group in carbon compounds. Carbon compounds के जो भी functional group है, functional group यानी ये एक ऐसी identity होती है जिससे उसको अलग name मिलता है. ठीक है, जैसे alkane है, उसमें सभी single bond है, alkene में double bond है, alkynes में triple bond है, तो इनको एक identity मिलती है, तो उनके फंक्शनल ग्रुप से वो मिलती है. जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है, सी ओ एच स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये ग्रुप की वजह से उनको आइडेंटिटी मिलती है, वो ग्रुप को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स. तो कार्बन के ऐसे हमें फंक्शनल ग्रुप्स देखने हैं जो कि हमें रेगुलरली ये यूज़ में आते हैं, और सबको इसके स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ इट्स नेम, कंडेंस फार्मूला, ये आपको लर्न होना ही चाहिए. और ये लर्न नहीं कर सकते, आपको लिख कर देखना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये प्रॉपरली इसका प्रिपरेशन हो सकता है. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड्स. हैलोजन्स जो होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, ये हैलोजन्स जो है, ये क्लोरो, ब्रोमो, आयडो, इनको हैलो कंपाउंड्स भी फंक्शनल ग्रुप में उनको क्लोरो, ब्रोमो, आयडो ऐसा हम रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका रहेगा कैपिटल एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं. जो हैलोजेंस होते हैं उनको हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. ये फ्री बॉन्ड हम इसलिए शो करते हैं ताकि ये किसी के साथ अटैच होता है, इसलिए हम यहाँ पर फ्री बॉन्ड शो करते हैं. क्लोरो को हम Cl से लिखेंगे, ब्रोमो को हम Br लिखेंगे, आयडो को हम I लिखेंगे. ये पहला जो अल्फाबेट होता है ये कैपिटल होता है. ठीक है, इनका कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस यानी शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, सेम ही है दोनों इसमें. सेकंड हमें देखना है अल्कोहल. अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें OH ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. देखो ऑक्सीजन के यहाँ पर दो बॉन्ड फॉर्म है, हाइड्रोजन का एक ही है, तो अल्कोहल में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है, OH. और इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे आएगा, कंडेंस यानी उसको हमें कंप्रेस करना है, तो ये OH ऐसा आएगा. यहाँ पर हमने बॉन्ड शो किए, यहाँ पर बॉन्ड शो नहीं किए, तो ये हो गया अल्कोहल का OH. नेक्स्ट है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड OH, ये जो ग्रुप होता है इसे हम कौन सा ग्रुप कहते हैं, अल्डिहाइड. आपको लर्न करना है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये जो ग्रुप है दिस इज अल्डिहाइड ग्रुप, इसको आप शॉर्ट में सी एच ओ भी लिख सकते हैं. ठीक है, सी एच ओ ग्रुप मीन्स अल्डिहाइड ग्रुप कंडेंस फॉर्म. नेक्स्ट है कीटोन. सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो ग्रुप है इसे हम कौन सा ग्रुप कहेंगे, कीटोन ग्रुप, तो ये यहाँ पर हम सी ओ लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, दिस ग्रुप इज सी ओ ओ एच, ये आपको लर्न करना है और लिख कर देखना है. सी ओ ओ एच को हम कंडेंस कैसे लिख सकते हैं, सी ओ ओ एच. देखो इसको कंडेंस स्ट्रक्चर क्यों कहा है, यहाँ पर हमने बॉन्डिंग नहीं शो किया, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ शो किया है, यहाँ पर नहीं किया है. सो ग्रुप है ये, फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए सभी इसके सामने हमने यहाँ पर फ्री बॉन्ड शो किया है. ओके, नेक्स्ट इज इथर. आर ओ आर इथर, ये कंपाउंड होता है इसका, आप ऐसे भी लिख सकते हो आर ओ आर इथर. ईस्टर, ईस्टर में सी ओ ओ ये कंपाउंड होता है. देखो हर एक इसमें डिफरेंट है, सी ओ ओ ये जो है ये ईस्टर है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हो ये जो ग्रुप रहेगा दिस इज ईस्टर. अमाइंस, अमाइंस में एन एच टू, ये रहेगा एन एच टू ग्रुप प्रेजेंट यहाँ पर रहेगा, आप यहाँ पर भी शो कर सकते हो या फिर यहाँ पर, ये ग्रुप आप एन एच टू ऐसे लिख सकते हो. सो इतने ग्रुप्स जो है बेसिकली आपको ये लेवल पर पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप्स. अगर कोई कंपाउंड में सी एल प्रेजेंट है तो वो हैलो कंपाउंड हो जाएगा, कोई कंपाउंड में ओ एच प्रेजेंट है तो उसे हम अल्कोहल कहेंगे, कोई कंपाउंड में अगर सी एच ओ है तो अल्डिहाइड रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा तो कीटोन. इसमें एच अगर प्रेजेंट है यहाँ पर, सी डबल बॉन्ड ओ पर अगर एच प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा अल्डिहाइड. अगर सी डबल बॉन्ड ओ पर एक आर प्रेजेंट है,
अल्किल ग्रुप अगर एक प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा कीटोनिक। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ईथर में ROR ईथर या फिर आप O से O के दोनों साइड में अल्किल ग्रुप आपको लगाना पड़ेगा। ईस्टर में RCOOR रहेगा, ठीक है, यहाँ पर हम R रिप्रेजेंट करेंगे, RCOOR ईस्टर रहेगा। अमाइंस में NH2, ये है सभी फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड्स। अब इसका मैं एक एक एग्जाम्पल्स आपको दे देती हूँ। CH3 के साथ अगर Cl है, यानी क्लोरो मीथेन हो गया, इसके नेमिंग नोमेनक्लेचर हम डिटेल में पढ़ेंगे। CH3OH है या फिर C2H5OH है, दो कार्बन का अल्केन कौन सा होता है, इथेन, उसका अल्किल ग्रुप है ये, यानी इथिल है। सो C2H5OH मतलब ये हो गया इथेनॉल, अल्कोहल है, OL इथेनॉल, क्योंकि इसमें OH ग्रुप है। अल्डिहाइड जैसे CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड। उसके बाद है कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, देखो R की जगह मैंने अल्किल ग्रुप लिया है, तो ये हो गया एसीटोन। उसके बाद CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3OCH3 डाई मिथिल इथर, CH3C डबल बॉन्ड OOCH3, ये हो गया ईस्टर, मिथिल एसिटेट और CH3NH2 मिथिल अमीन। सो दीज आर ऑल फंक्शनल ग्रुप्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसकी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बॉन्डिंग प्रॉपरली शो करना है। और ये फ्री बॉन्ड हम ग्रुप के सामने हमेशा ऐसे लिखते हैं, ये जो बॉन्ड है जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्री बॉन्ड। और यहाँ पर जो ग्रुप है, लाइक यहाँ पर अल्किल ग्रुप अटैच हुआ है, वैसे यहाँ पर अल्किल ग्रुप जो है वो डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स अटैच होते हैं। सो इस लेसन में आपको इतना ही प्रिपरेशन करना है, ये सभी के लर्न हो जाने चाहिए। लाइक मैंने अगर कुछ आपको विच ग्रुप स्टेट डी सॉरी स्टेट डी कंडेंस फार्मूला फॉर अल्डिहाइड, तो आपको इमिडिएटली आंसर आना चाहिए कि CHO ग्रुप इज नोन एज अल्डिहाइड ग्रुप। सो ये आपको प्रिपरेशन करना है प्रॉपरली, राइटिंग वर्क करके बॉन्डिंग प्रॉपरली शो करना है। सो टेक्सट बुक में आपके ये मेंशन किया गया है, ये आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। थैंक यू।